समय से पहले आकर कर्मों का फिर जाना, समय से पहले आके। और जो उदीनना है ये उदय का ही एक प्रकार है, उदय का ही एक प्रकार है। अब मैं इसको उदय बोलूं उदयावली बोलूं, आप इसको एक शब्दों से बराबर अभी के लिए समझना। हम यहाँ पे बात बराबर क्या कह रहे हैं कि अब जो जीव श्रेणी बराबर चढ़ता जा रहा है कि इस श्रेणी चढ़ने के काल में कोई भी कर्मों का जिनका हमने उपशम बराबर किया है उनकी उदीनना ना हो जाए। क्योंकि अगर उदीनना आ जाएगी तो फल मिल जाएगा, अगर उदीनना हो जाएगा तो उसका फल बराबर मिल जाएगा। इसीलिए जीव ऐसा पुरुषार्थ बराबर करता है कि उन 21 प्रकृतियों में से अगर एक का भी बराबर उदय आ जाए अर्थात उसकी उदीनना बराबर हो जाए तो दिक्कत बराबर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 21 की 21 को बराबर लिया है, किसी एक को नहीं लिया। यहाँ पे अप्रत्याख्यान को नहीं लिया, यहाँ पे बस प्रत्याख्यान को बराबर नहीं लिया, क्योंकि अभी तो दबा रखी है ना, दबाने में अब जीव आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी बीच में उदीनना ना हो जाए अर्थात होती नहीं है, होना जाए मैं तो मैं भाषा बराबर दे रहा हूँ, होती ही नहीं है। ये नियम है बराबर कि 21 प्रकृतियों की जो उपशम हमने बराबर किया वो उपशमित ही रहेंगी, उसकी उदीनना नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा कि 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय, दोनों में उपशम या क्षय बराबर लिखा, क्षय में तो कोई परेशानी ही नहीं है, जो बात उपशम की बराबर है हम मेन उसकी बात बराबर कर रहे हैं कि 21 प्रकृतियों के उपशम की बात यह है कि बीच में उसकी उदीनना ना हो जाए, होती ही नहीं है, वो उपशमित ही बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे वो कर्म? वो कर्म उपशमित ही बराबर रहेंगे, उसकी समय से पहले आकर उदीनना होने वाली नहीं है, धीरे धीरे तभी बराबर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे उपशम की बात की है, उदीनना की बात बराबर नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे 21 प्रकृति बराबर लिखा है। इसके जिनवाणी में बहुत सारे तर्क बराबर दिए हैं, अगर थोड़ी हम और बुद्धि लगाएं तो हमें और थोड़ा विषय बराबर स्पष्ट होगा। थोड़ा और विषय हमें कब स्पष्ट होगा? जब हम सातवां गुणस्थान पढ़ेंगे ना, तो सातवें गुणस्थान में जब ये खुद का विषय बराबर आएगा तब हमें और स्पष्ट बराबर होगा। अभी प्रश्न के हिसाब से हमें जितना समझना चाहिए हमने उतना बराबर समझा, एक बार में सारा विषय स्पष्ट नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। प्रश्नों को बनाए रखिए बराबर, धीरे धीरे समय के अनुसार उसका उत्तर ऑटोमेटिक बराबर आएगा। लेकिन इतना बढ़िया है कि अनंतानुबंधित चतुष्को को क्यों नहीं लिया और 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय की बात यहाँ पे बराबर की है। साथ ही साथ अब एक अगला विषय जो इसी परिभाषा में बराबर आता है, लिखा कि जीव के शुद्ध भाव अर्थात वृंदिगत वीतराग परिणाम, कौन से वीतराग परिणाम है? वृंदिगत वीतराग परिणाम, अर्थात हर गुणस्थान में, आठवें में, नौवे में, दसवें में और दसवें तक बराबर, ग्यारहवें बारहवें की बात नहीं, दसवें तक हर समय कैसे हो रहे हैं वीतराग परिणाम बढ़े। आठवें से नौवें में तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आठवें गुणस्थान का भी काल जितना है उसमें भी हर समय वीतरागता बढ़ती जा रही है। अर्थात ये जीव के भावों पर निर्भर करता है, अर्थात जीव के भाव बढ़ अर्थात जीवों विशुद्धता बढ़ती जा रही है तो ऑटोमेटिक वीतरागता बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जा रही है एक समय ऐसा बराबर आएगा कि वो वीतरागता पूर्ण हो जाएगी। वृंदिगत बराबर लिखा ना, हर समय वीतरागता बढ़ती हुई ऐसी बात नहीं है। अगर एक कोई पूछे कि ये वीतरागता कब तक बढ़ेगी तो एक सीधा सा उत्तर बराबर है कि जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वीतरागता बढ़ेगी। अब कोई पूछे कि वीतरागता पूर्ण कब होगी तो हम कहेंगे कि भैया ग्यारहवें गुणस्थान में और बारहवें गुणस्थान में वीतरागता पूर्ण हो जाती है, अर्थात यहीं तक। अर्थात एक तरीके से आप इस चीज को बराबर देखो, वीतरागता का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं संबंध है हमारे राग द्वेष अर्थात कषायों से। जब तक कषाएं हैं तब तक वीतरागता उस पर निर्भर करती है, अर्थात कषाएं बढ़ती हैं तो वीतरागता कम हो जाती है और हमारी कषाएं घटती है तो वीतरागता बढ़ जाती है। अब दसवें गुणस्थान के अंत में अर्थात जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान है उसमें बस लोभ बचा, अब लोभ चला ही गया, अब वीतरागता बढ़ेगी क्या? अब सीधा सा प्रश्न है, ग्यारहवें गुणस्थान में जो वीतरागता है, बारहवें गुणस्थान में जो वीतरागता है, तेरहवें, चौदहवें या सिद्ध परमेष्ठी, धीरे धीरे वीतरागता बढ़ती रहती होगी। अब पॉइंट बराबर ये प्रश्न है, धीरे धीरे बढ़ती जाती होगी वीतरागता, अब वीतरागता क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि कषाय नहीं है। जैसे कि एक जग बराबर हमारे पास है, जग में हमने पानी बराबर डाला, वो पानी तब तक ही उसमें डाला जाएगा जब तक वो पानी ऊपर उसके गले तक बराबर ना जाए, उसके बाद डाला जा सकता है क्या? वो पूर्ण बराबर हो गया। अब जहां वीतरागता पूर्ण हो गई अब वीतरागता वैसी ही बनी रहती है,
अर्थात अब जब अगली वितरकता की पर्याय भी आएगी ना, तो उसमें अगली वितरकता बड़ी हुई नहीं होगी। यहाँ पे वृंदिगत शब्द बराबर दिया ना, अब वहां पे वृंदिगत वितरकता बढ़ती हुई वितरकता नहीं होगी, अब कैसी होगी, अब वो पूर्ण है, अब वो यथाख्यात चारित्र हो गया। वो यथाख्यात चारित्र भैया यथाख्यात, यथाख्यात का मतलब जैसा है वैसा है, यथाख्यात इसका मतलब ही बराबर ये, जैसा है वैसा, अब कोई बढ़ने वाली बराबर नहीं। यथाख्यात मतलब जैसा है वो वैसा ही बराबर रहेगा, जितना है उतना का उतना रहेगा, आगे बढ़ने वाला बराबर नहीं। साथ ही साथ हमें ये भी बात समझनी चाहिए, यहाँ पे जो वृंदिगत की बात की और साथ ही साथ में लिखा कि कर्मों का उपशम या क्षय, तो उपशम या क्षय में अब आगे जाकर देखेंगे अगले प्रश्नों में बराबर कि आठवें गुणस्थान के भी दो भेद हैं, नौवे गुणस्थान के भी दो भेद हैं, दसवें गुणस्थान के भी दो भेद हैं, लेकिन ग्यारहवें बारहवें के दो दो भेद नहीं है। कैसे है वो सारी बात आगे बराबर देखेंगे। ये सभी को समझ में आया, यहाँ पे रेफरेंस के लिए कहा कि भैया जीव कांड की गाथा कौन सी देखें, 47 नंबर की गाथा बराबर कंसल्ट करें, तो और विषय हमें स्पष्ट बराबर होगा। आइए इस प्रश्न को एक और दोबारा पढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। श्रेणी किसे कहते हैं, चारित्र मोहिनी की अनंतानुवर्ती, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न, 31 और 32 नंबर का प्रश्न साथ में बराबर पढ़ेंगे। 31 नंबर का प्रश्न, श्रेणी के कितने भेद हैं, श्रेणी 32 नंबर का प्रश्न, श्रेणी चढ़ने का क्या अर्थ है, अंत में आते आते पता नहीं क्या बराबर हो गया, लोगों को पता ही लगा कि दूसरी परिभाषा भी इसके अंदर दे रखी है, अलग अलग परिभाषा है, अच्छा अलग अलग बराबर है। चलिए कुछ नहीं होता, पूर्ण तो बराबर हो गई परिभाषा, पूर्ण होनी बराबर चाहिए। 31 नंबर का प्रश्न बहुत सरल है कि श्रेणी के कितने भेद हैं, तो भैया श्रेणी के दो भेद हैं, पहला उपशम श्रेणी और शब्बक श्रेणी, इसमें और कोई दूसरा विषय समझने लायक बराबर नहीं। कोई कहे क्षयोपशम श्रेणी क्यों नहीं होती, तो वो विषय हम पहले भी बराबर देख कर आए, जो क्षयोपशम होता है वो दोष सहित होता है, और जो दोष सहित होता है उसमें श्रेणी नहीं मांडी जा सकती, अर्थात सदोष श्रेणी होती नहीं है, श्रेणी हमेशा निर्दोष बराबर होगी। तो कोई ये भी प्रश्न बराबर कर सकता है कि जो उपशम है वो भी तो दोष सहित है, प्रश्न दबा हुआ है ना, अभी नाश थोड़ी हो गया बराबर, लेकिन उसी उपशम को अभाव अर्थात क्षय ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो उदय को प्राप्त नहीं हो रहे तब तक क्षय के समान ही है, इसीलिए श्रेणी के दो भेद बराबर है, पहला उपशम श्रेणी और दूसरा शपक श्रेणी। अब अगला 32 नंबर का प्रश्न आप सभी ने पढ़ा कि श्रेणी चढ़ने का क्या अर्थ है, एक बहुत सुंदर भजन हम पढ़ते हैं साथ में, एक पंक्ति है कि होली खेले मुनिराज, उसके अंदर पंक्ति बराबर आती है, यहाँ पे लिखा पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती, श्रेणी मांडी पलक छिन में मधुवन में, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन में। कौन सी होली खेल रहे हैं वो तो ठीक है, अब होली खेल रहे हैं तो कर्म, वो तो कर्म होली खेल रहे हैं, अपने कर्म हो रहे हैं, लेकिन अब कर्म होली खेल रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, श्रेणी श्रेणी मांडी पलक छिन्न में, अब वो जो श्रेणी बराबर मांडी जा रही है, यही प्रश्न है कि श्रेणी चढ़ना, अब वो श्रेणी जो पल भर में आगे बढ़ जाएंगे तो कैसे हो रहा है, कर्म अपना काम दिखा रहे हैं और जीव अपना काम बराबर करता जा रहा है, वो क्या काम है, उसी को यहाँ पे शब्दों में बराबर पिरोया गया, लिखा कि सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं,
वही पुराने वाले प्रश्न की बात की वीतरागता वृंदिगत को प्राप्त होती बराबर जाती है, इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। इसमें कोई विशेष इतनी समझने वाली बात बराबर नहीं है, सीधे समझ में आ रहा है कि सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से, बिना क्रम तोड़े बराबर नहीं हो सकता, क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं, इसे ही श्रेणी चढ़ना कहते हैं। सातवें गुणस्थान से आगे वृंदिगत वीतराग परिणामों की दो श्रेणी है, पहली उपशम श्रेणी और दूसरी शपक श्रेणी, और प्रत्येक श्रेणी के चार चार गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से चार चार गुणस्थान होते हैं वो आगे बराबर अगले प्रश्नों में ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हम बात करें, अभी अभी हमने कहा कि भैया आठवें गुणस्थान के भी दो भेद, नौवे के भी दो भेद, दसवें के भी दो भेद, तो कैसे वो दो भेद बराबर बनते हैं? आठवें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण गुणस्थान। तो अपूर्वकरण गुणस्थान के ही दो नाम बराबर हो गए, एक उपशमक अपूर्वकरण और एक शपक अपूर्वकरण। नौवें गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। तो अनिवृत्तिकरण के भी दो भेद बराबर हो गए, एक उपशमक अनिवृत्तिकरण और एक शपक अनिवृत्तिकरण। दसवें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। उसके भी दो भेद बराबर हो गए, एक उपशमक सूक्ष्म सांपराय और शपक सूक्ष्म सांपराय। अब ग्यारहवा बारहवा डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे कोई दो भेद बराबर नहीं है, जो आठवें नौवे दसवें में उपशमक करते हुए बराबर आए हैं उनका डेस्टिनेशन ग्यारहवा है, और आठवा नौवे दसवें में जो शपक वाला चढ़ते हुए बराबर आए हैं उनके लिए डेस्टिनेशन क्या है? उनके लिए बारहवा डेस्टिनेशन है। यही बात यहाँ पे है कि लिखा कि दो चीजें हैं, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, और प्रत्येक श्रेणी के चार चार गुणस्थान होते हैं। आगे बढ़े बराबर, हाँ जी कि ना जी, जल्दी तो नहीं चल रहे बराबर, स्लो चल रहे हैं, चलिए नहीं फास्ट चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं बराबर। 33 नंबर का प्रश्न, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं? क्या लिखा कि जिसमें चारित्र मोहिनी की उपशमना के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है, और कैसे 21 प्रकृतियों की उपशमना करने के साथ साथ वीतरागता बढ़ती जाती है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। उसके चार गुणस्थान बराबर बताए, आठवा नौवा दसवा और ग्यारहवा। दोनों परिभाषाओं में अर्थात अभी हम आगे जाके शपक श्रेणी की परिभाषा भी पढ़ेंगे, अंतर बस एक ही शब्द का बराबर है और एक गुणस्थान चेंज बराबर होगा। वहां पे तो 21 प्रकृतियों का उपशम किया तो वो उपशम श्रेणी, और शपक श्रेणी के अंदर वहां पे 21 प्रकृतियों का क्षय बराबर किया गया है। चेंजिंग बस एक है कि उस उपशम में ग्यारहवा आएगा और शपक में बारहवा बराबर आएगा। अगर थोड़ी और विशेषता बराबर जाननी हो उपशम श्रेणी के संदर्भ में, तो अगर कोई बात करे तो भैया हम एक जीवन काल में, मतलब मेरी ये मनुष्य भव मुझे मिला बार मिला है, तो मैं कितनी बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता हूँ? तो दो बार बस मैं उपशम श्रेणी एक मनुष्य भव में, अर्थात अगर मैंने दीक्षा अंगीकार की, हमने श्रेणी चढ़ने का मौका बराबर मिला, तो उपशम श्रेणी एक जीव के, मतलब उस भव में दो बार बराबर चढ़ सकता है। और अगर पूरे जीव के जीवन काल की बात बराबर की जाए तो चार बार से ज्यादा उपशम श्रेणी बराबर नहीं चढ़ सकता। कोई हमसे प्रश्न करे, हमने तो अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि हमने इतनी बार मुनि दीक्षा अंगीकार की, और इतनी बार मुनि दीक्षा अंगीकार की कि पिछली कमंडल इकट्ठे किए जाए तो सुमेरु पर्वत पे पहाड़ बराबर लग जाए, पहाड़ जितना बराबर हो जाए। तो भैया मुनिराज बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमने श्रेणी चढ़ी बराबर हो। अगर कोई पूरे जीवन काल में जीव के देखेगा तो चार बार ही, और अगर एक क्या चार बार जब भी दीक्षा अंगीकार करेगा उपशम श्रेणी चढ़ने के, अगर वैसे परिणामों की विशुद्धता होगी तो श्रेणी चढ़ेगा, चार से ज्यादा नहीं हो सकता। कि पांचवी बार कि जीव का पुरुषार्थ पे निर्भर बराबर करता है, नहीं नहीं कोई कह के आएगा ये मनुष्य नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, तो कुछ पुरुषार्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बराबर करके दिखाए, ऐसा नहीं है। करना नहीं होगा नहीं क्या, एक भव में दो बार और पूरे जीव के जीवन काल में, अर्थात जब तक जीव है अनादि से अनंत काल तक, तो वो चार बार ऐसा बराबर।
उसके अलावा अब देखो ये सबसे बड़ी यहाँ पे लगता है ना, जीव के पुरुषार्थ पे ठेस पहुंचती है। जब कभी हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़े, उनको कभी करना नियोग पढ़ाओ, तो जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकार नहीं होता उनको भी हो जाएगा कि निश्चित है कि भैया ये चार बार ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कोई कह नहीं मैं तो पुरुषार्थ करके दिखाऊंगा, मैं तो पांचवी बार भी करके दिखाऊंगा, इस भव में मैं तीसरी बार भी उपशम श्रेणी चढ़ के बराबर दिखाऊंगा। भैया इसमें हमारा पुरुषार्थ काम नहीं आता। हम कह रहे हैं कि भैया जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई चाहे तो, अरे कोई चाहेगा ही नहीं, वैसे भाव ही नहीं होंगे, हमारे चाहने से कार्य बराबर नहीं होता। मतलब कई बार हमें ये बातें पता लगती है कि भैया निमित्त भी अपने में कितना स्ट्रांग है। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है ना, पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं। तो भैया अगर चार बार नहीं, मतलब चार बार से ज्यादा का परिणाम उसको होगा ही नहीं। कर्म की ऐसी चार बार से ज्यादा अवस्था बन ही नहीं सकती कि कर्मों का उपशम बराबर हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है हमें बराबर? लेकिन जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो चार बार, हम तो कहें कि भैया हम एक ही बार में करके जल्दी से जल्दी बराबर, और उपशम क्यों, हम तो सीधा शपथ श्रेणी बराबर चढ़ें और जल्दी से मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण बराबर करें। यहाँ पे बस इतनी सी बात है जो हमने बराबर यहाँ पे समझी। एक आइए एक बार शपथ श्रेणी को भी यहाँ से साथ में पढ़ लेते हैं। प्रश्न है 34 नंबर का, शपथ श्रेणी किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से गुण स्थान है। बहुत सुंदर, यहाँ पे लिखा कि वीतरागता बढ़ती जाती है, लेकिन इतना हम बराबर समझें कि 11वें 12वें में वीतरागता बढ़ती नहीं है, वैसी की वैसी है, और 11वें 12वें दोनों एक समान है। हमें आगे जाके पता लगेगा कि भैया 11वें में से तो जीव नियम से नीचे गिरता है, या तो गुणस्थान का काल पूरा हो जाएगा या आयु बराबर पूरी हो जाएगी और जीव बराबर नीचे आएगा ही आएगा। तो उसके बावजूद भी 11वें की जैसे वीतरागता है वैसी ही वीतरागता 12वें गुणस्थान वर्ती की होती है। ऐसा कहो कि जैसी वीतरागता 12वें गुणस्थान वर्तियों की होती है वैसी ही वीतरागता 11वें गुणस्थान वर्तियों की होती है। वहां पे कोई ये नहीं कह सकता, कोई प्रश्न सामने से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता, इन्होंने तो उपशम किया है, आपने शय बराबर किया, आपका कुछ विशेष होगा और इनका विशेष नहीं होगा। वीतरागता में थोड़ा बारीक सा अंतर बराबर खींची जा सकती है रेखा बराबर, नहीं, दोनों बिल्कुल समान है। 11वें की वीतरागता भी समान है और 12वें की वीतरागता भी समान है, लेकिन वीतरागी हुए हैं अभी और 12वें तक सभी के सभी छद्मस्त बने रहते हैं, अभी सर्वज्ञता बराबर नहीं आई। सर्वज्ञता कब आएगी, जब जीव शपक श्रेणी चढ़ेगा, और शपक श्रेणी चढ़ के 13वें में जैसे ही कदम बराबर रखेगा, अर्थात 12वें के अंत में 13वें के प्रथम समय में जीव कैसा हो जाएगा, सर्वज्ञ भी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो जाएगा। ज्ञानावरण दर्शन सभी के बराबर लगाकर देख लेना, वो अनंत चतुष्टय पूर्ण बराबर हो जाएगा 13वें गुण स्थान में आते ही। बस इतनी सी बात बराबर समझें, ये सारा का सारा विषय हमारे हाथ में नहीं है, मुनिराज के हाथ में नहीं है कि वो किस चीज को चढ़े, कि उपशम चढ़े या शपक चढ़े। इससे एक सीख हमें अवश्य बराबर मिलती है कि जब मुनिराज के हाथ में ये नहीं है कि वो कौन सी श्रेणी चढ़े, अगर होता तो बोलो कौन सी चढ़ते, सब शपक चढ़ते, कोई उपशम चढ़ता ही बराबर नहीं, और हमारे आचार्य वो उपशम लिखते ही नहीं, फिर उपशम श्रेणी भी बराबर होती है, सब शपक चढ़ जाते बराबर, श्रेणी चढ़ते ही नहीं बराबर। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है, अभी तो हम श्रेणी में नहीं है ना, अभी इधर सभी ध्यान दीजिए बराबर, अभी तो हम श्रेणी में नहीं चढ़ रहे, तो हमें बराबर क्या सीख मिलती है, जब इतने पुरुषार्थी जीव के सामने भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो उपशम चढ़े या शपक चढ़े, तो भैया हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। जब उनके हाथ में श्रेणी चढ़ना कि कौन सी चढ़े वो उनके हाथ में नहीं है, अर्थात आखिर इस जीव के हाथ में है क्या, कुछ नहीं है। जीव बस अपने भाव करे, जो अवस्था कर्म की होनी होगी वो कर्म की अवस्था होगी, हम तो बस अपने शुद्ध भावों पर ध्यान देते जाएं और अपनी वीतरागता बढ़ाते जाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे विराम देते हैं, कल अगले प्रश्न से चर्चा बराबर करेंगे। अंतर्मूर्त मतलब आगे के जितने गुणस्थान हैं सबका मिनिमम से मिनिमम काल अंतर्मूर्ति, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इतनों का तो अंतर्मूर्त है, प्रत्येक का भी अंतर्मूर्त है, मिक्स करके भी अंतर्मूर्त है।
लेकिन अब 13वें में आके अब जिसकी मतलब समोचरण लग रहा है तो हो सकता है समय बराबर बढ़ जाए, और 14वें का तो है ही समय बस 5 इस अक्षर के बराबर बस। जैसे के दो कारण है ना, तो आयु कौन होगी तो आयु का पता नहीं है, अंतर्मूत काल पूरा हो गया तो होगा वो अंतर्मूत, इससे ज्यादा बराबर नहीं है। चलिए अभी की बात इससे करते हैं। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। साथ ही साथ में एक सूचना बराबर, कल हम सभी को